अपडेट्स जो है, सबसे पहले आपको थोड़ी मेरे हाल में चाहिए होंगी। पहले जो हमारा SMG2 का है वो अपडेट चाहिए होंगी, फिर नए सिस्टम की तरफ चलते हैं। जो SMG2 है वो उसी तरह फंक्शनल रहेगा, जो आपकी लॉयल्टी बची हुई है वो उसकी विड्रॉ आती रहेगी, हमेशा वो आती रहेगी, उसमें कोई यानी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी होल्ड किया हुआ है कंपनी ने, क्योंकि सिस्टम ट्रांसफर हुआ है, अभी सारी वो डेटा ट्रांसफर हुई है और उसको सेटिंग करके तो फिर उसको लाइव कर देंगे, उसको भी यानी विड्रॉल वगैरह उधर से भी लाइव कर देंगे। जो SMG2 के अंदर सोलमैक्स के अंदर हमारे वॉलेट हैं, जो उसके अंदर हमारा पड़ा हुआ है अपना उसके अंदर सेविंग अकाउंट के अंदर, वो जो डेट्स लिखी हुई है उन डेट्स के ऊपर वो भी इशू होता रहेगा, जो जो उसकी टाइमिंग लिखी हुई है। और जो आपका लॉयल्टी है वो लॉयल्टी आगे उसको रीऑर्गेनाइज हो रहा है, वो सारा आपका 175 जैसे कंपनी ने बोला हुआ था वो 175 ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये जरूर है कि कंपनी ने अपग्रेडेशन के अंदर उसको जरा होल्ड किया है या लॉक किया है, मगर यह है कि आगे जल्द ही वो आपको आगे चलता हुआ नजर आएगा। और लॉयल्टी पुरानी आपके अकाउंट्स के अंदर है वो आपको मिलती रहेगी जितनी देर तक आपकी वो 175% मुकम्मल नहीं होती, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अलबत्ता थोड़ा टाइम लग रहा है, ये मंथ आप समझ लें कि सारा पिछला भी ट्रांजैक्शन का गुजरा है ये भी। ठीक है, अब जो है अब हम नए सिस्टम की तरफ थोड़ी सी रुख करते हैं। नया सिस्टम जो हमारा है वो अभी फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर हमारा डेटा ट्रांसफर हुआ है, तो उसके अंदर यानी जो YI सिस्टम के अंदर चला गया है, उसके अंदर आपके स्टेकिंग वॉलेट ट्रांसफर हुए हैं, कैश वॉलेट आपके पीछे पड़े हुए हैं, स्टेकिंग वॉलेट ट्रांसफर हो गए हैं, कैश वॉलेट आपको सोलमैक्स से ही विड्रॉल मिल जाएंगे, और हाँ वो आपके उधर से विड्रॉल आपको मिलेंगे, और YI के अंदर जो आपका स्टेकिंग वॉलेट गया है वो फिर YI के थ्रू आपको उसका विड्रॉल वगैरह जो भी है उसका ऑर्गेनाइज होगा प्रॉपर, उसके ऊपर आपको विड्रॉल मिलता रहेगा। जो नया सिस्टम है उसके अंदर अब पहला फेज मुकम्मल हो चुका है, अब सेकेंड फेज की तरफ है कि हम पैकेज लॉन्चिंग और ज्वाइनिंग शुरू करेंगे उसके ऊपर। तो जो नेक्स्ट वीक है अभी, ये हमारा ज्वाइनिंग का और न्यू पैकेज बाइंग का यानी वीक होगा। ठीक है, मगर उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन आ जाएगी, मंडे को कल को आ जाएगी कि कब हम शुरू कर रहे हैं, किस दिन को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें ये हो जाएगा कि हमारी एक तो प्राइस बढ़ जाएगी, SMG2 का थोड़ा सा इधर ही मैं थोड़ा क्योंकि अभी जिक्र हो गया तो ये आपको बता दूं कि उसकी अलहदा से एक टीम मुकम्मल बनी है जो कि उसको लीड करेगी एज ए पूरा प्रोजेक्ट SMG टोकन की, लिहाजा उसके ऊपर उनका नेटवर्किंग से नहीं रब्त होगा, वो सेपरेटली काम करेंगे ताकि SMG2 की जो वैल्यू है उसको अच्छा बनाया जा सके, उसकी यूजिबिलिटी के ऊपर काम करें और इस तरह करके फिर SMG2 को जो है वो एक लेवल पे लेके जाएंगे। एक चीज है कि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मगर अभी तकरीबन 16,000 वॉलेट्स जो है वो डाउनलोड किए गए हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छी चीज नहीं है सबके लिए कि हम सिर्फ चंद अकाउंटों के ऊपर बहुत ज्यादा जगह से लॉयल्टी ले रहे हैं। अब दोबारा से वापस आ जाते हैं YI के ऊपर। अब YI के ऊपर जो है ये अभी पैकेजेस का ऐलान जब होगा तो आपको थोड़ा टाइम देंगे 24 आवर या 48 आवर के, आप अगर किसी ने टोकन बाय करने हैं तो वो बाय कर लें, अभी पैकेजेस ओपन होने लगे हैं तो आपको ये टाइम थोड़ा सा देंगे। एक आगे मंडे को या ट्यूजडे को हम एक जूम कॉल करेंगे, उसके अंदर वो टाइम आपको बता देंगे कि ये 24 आवर बाद या 48 आवर बाद ये ओपन होने लगे हैं और ज्वाइनिंग और सारी शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपके पास कम्युनिकेशन ये भी आ जाएगी ताकि एक उसकी वैल्यू भी उधर से ट्रेड की भी बढ़ेगी। सही है, ये हो जाएगा। और अब जो नए पैकेजेस हैं उसके ऊपर जो मेन फोकस होगा कंपनी का वो ये होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह भी एजुकेट किया जाए कि आप अगर खुद मार्केट में कहीं जाके एक्सचेंज के ऊपर या फॉरेक्स के अंदर काम करें तो उसके अंदर भी आप फायदा उठा सकें। सिर्फ ये नहीं, SMG जो YI है वो सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको लॉयल्टी के ऊपर बेस में रखेगा, नहीं, आपको इतना कुछ सिखाएगा कि आप मार्केट के अंदर कहीं भी बैठ के किसी एक्सचेंज के अंदर किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप कमाई कर सकेंगे खुद से इंडिपेंडेंटली भी। तो हम इस तरह के कोर्स यानी अभी जो कोर्सेज हैं वो वीडियो कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, उसके बाद जो है लाइव कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे। लाइव कोर्सेज के लिए भी एक अलहदा पूरी अकेडमी की टीम है जो काम कर रही है, तो लिहाजा अकेडमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा कि ताकि जो लोग आए पैकेज बाय करें उनको अकेडमी अच्छे तरीके से उनको जाए। ये यानी जल्दी ये भी हो जाएगा, अप्लाई इस महीने में नहीं होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर ये सारा अप्लाई हो जाएगा, ये चीज होगी।
तीसरी चीज जो लॉयल्टी है नए पैकेजेस के साथ, लॉयल्टी किस तरह आएगी? लॉयल्टी 150% ही रहेगी, मगर ये होगा कि पहले दिन जब आप पैकेज बाय करेंगे तो उसी वक्त आप जब पैकेज बाय करेंगे तो उसी वक्त लाइव रेट के ऊपर आपको सारे के सारे इकट्ठे टोकन इशू कर दिए जाएंगे। यानी इकट्ठे टोकन आपको मिल जाएंगे, ये नहीं है कि आपको वो टोकन डेली अपना डेली ट्रांसफर होंगे, डॉलर से नहीं होंगे। यानी पहले तो होता है कि आपको डॉलर आते हैं और आप डेली कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर एसएमजी के अंदर। अब ये होगा कि एसएमजी आपको जिस दिन के अंदर आप पैकेज लगाएंगे लाइव रेट के ऊपर एसएमजी आपको मिल जाएगा। लाइव रेट के ऊपर जब एसएमजी आपको मिलेगा तो उसमें आपका फायदा है वो 150% नहीं कई गुना ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर। मैं आपको एक सिंपल देता हूं कि मिसाल के तौर पे आपको 1000 टोकन डेली आना है फॉर एग्जांपल। वो जब डेली एग्जाम आपका रिलीज हो रहा है तो एक दिन आपका 1000 आपके पास टोकन आया तो उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं कि 1 सेंट है, आपको $10 का पड़ गया। दूसरे दिन मिसाल के तौर पे फिर 1000 टोकन आता है और दूसरे दिन प्राइस अगर बढ़ के 2 सेंट हो जाती है तो इसका मतलब है आपको $10 नहीं $20 की वैल्यू। तो ये जो है डिफरेंस, ये आपको ज्यादा से ज्यादा यानी नजर आएगा, इससे ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो है ये करने जा रहे हैं। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब न्यू पैकेजेस जो हैं वो सारे के सारे एसएमजी लाइव रेट के ऊपर लगने हैं। लिहाजा जिसके पास एसएमजी कोई अगर लेना चाहे मार्केट से जाके तो वो भी ले सकता है, उसको फायदा भी हो सकता है, ये अपनी मर्जी है हर एक की। मगर ये है कि लाइव रेट के ऊपर आपको जो है वो पैकेज सेल होंगे एसएमजी 2 के ऊपर, ताकि आप जो है आप यूएसडी या बिटकॉइन या ये एक्सेप्ट नहीं होगा। जिसको चाहिए पैकेज वो अपना बिटकॉइन है, एथेरियम है, कोई भी है, वो जाके एक्सचेंज से अपना टोकन उठाएगा और आके पैकेज बाय कर सकेगा। और उसका थर्ड जो फेस होगा, जो आखिरी फेस, यानी आखिरी तो नहीं मगर फेस उसके फिर आगे चलते जाएंगे, आगे एकेडमी के फेस से शुरू हो जाएंगे, मगर यह है कि जो इस साइड पे जो आप वेट कर रहे हैं वो है थर्ड फेस आगे शुरू हो जाएगा विड्रॉल का, और उसकी प्लानिंग आपको दी जाएगी कि किस तरह विड्रॉल लगने हैं, महीने में 2 दफा लगने हैं, 4 दफा लगने हैं, 6 दफा लगने हैं विड्रॉल, और कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम विड्रॉल आपको मिलना है स्टार्टिंग के अंदर। यानी एक स्टार्टिंग के अंदर लिमिट होगी और उसके बाद फिर वो लिमिट इंक्रीज करते जाएंगे, तो कंपनी जो है वो लिमिट को इंक्रीज कर दी जाएगी, क्योंकि आपका बिजनेस सारा 2 महीने 3 महीने का तकरीबन रुका हुआ है, ये जो ट्रांसफर का सिलसिला चल रहा है, तो ये लिमिट के साथ फिर आगे वो कंपनी आपको विड्रॉल्स का सारा सिलसिला वो चलाती रहेगी और आपको उसी तरह फिर उसके ऊपर चीजें आती रहेगी। मैं आपको क्लियर चीज बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में चीज क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को आप सब मेंबर हैं, आप सब कंपनी के शेयर होल्डर हैं किस्म के, क्योंकि कंपनी के साथ सारे काम कर रहे हैं, तो सबकी अपनी कंपनी है, ये सिर्फ कंपनी जो फाउंडर्स हैं उनकी नहीं है, आप सबकी, मेरी, आप सबकी, हमारी अपनी कंपनी है, ठीक है। तो हमको चीजें क्लियर पता होनी चाहिए, मगर अब जब हमें ये पता है कि हमारी अपनी कंपनी है तो हमें ये भी देखना है कि एज ए बिजनेस भी हमने उसको स्टडी करना है, ये नहीं है कि एज ए प्रमोटर करना है या एज ए अर्नर करना है। जब आप है कि बिजनेस आपने अगर बिजनेस खोला है तो आप उसकी ऊंच नीच देखेंगे कि कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, क्या उसको रियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगा। वैसे आपको अब्दुलरहमान साहब पहले बता चुके हैं क्योंकि वो उसको लीड करते हैं सारा, ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ चीजों को। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो भी नेटवर्कर है वो गलत तरीके से किसी को कोई चीज बेचे ना, सबसे पहली चीज। और अगर किसी कंट्री में काम कर रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो उसका पहला फर्ज है कि अपनी कंट्री के अंदर साल के एंड पे टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए और बोले कि मैंने इतना अर्न किया, उसके ऊपर टैक्स पे करे, इसकी जिम्मेदारी हर बंदे की, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आप कोई चीज बाय करेंगे, कोई बेचेंगे, कुछ लेंगे, कोई घर खरीदेंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, मर्सिडीज खरीदेंगे, तो आपको अथॉरिटीज कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। प्रॉब्लम उधर आती है जब आप कोई चीज डिक्लेयर करते नहीं है और आप गाड़ियां भी अच्छी लेनी शुरू कर देते हैं। ये मसला मेन जो था ये मसला फिलिपीन के अंदर हुआ कि हमारे कुछ लीडर्स ने उधर गाड़ियां खरीदी, पैसे टेबल पे रख के दिखाए कि ये खरीदे हैं, ये यानी हमने अर्न किए हैं, और बाद में वही इशू आगे चला और मजीद बढ़ के वो एक दो और चीजें साथ मिक्स हुई और फिलिपीन का हमारा ब्लॉक हो गया चंद एक दो लीडर्स की वजह से।
या आप उनको नेटवर्कर बोल लें, लीडर्स बोल लें, लीडर्स होते तो इस तरह नहीं करते। तो ये इशू अब सारी कंपनी के लिए इशू बना। कंपनी ने 5 साल का जब इग्नाइटर शुरू हुई थी तो ये था कि हमने 5 साल के बाद स्टॉक मार्केट में जाना है, यानी मार्केट के अंदर जाना है, इसको लॉन्च करना है और मार्केट से हमने आगे जाना है। 4 साल के अंदर, 4 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए थे, 3.5 साल हुए थे, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम मार्केट में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारा टारगेट्स थे, चीजें थी, वो अचीव हो गई हैं, तो हम मार्केट में जाएंगे। पीक पे काम था, मार्च के अंदर कंपनी ने छोड़ दिया, हालांकि उस वक्त आगे चला भी सकते थे उसको। छोड़ के कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने लिस्टिंग के लिए सारा प्रोसेस करना शुरू कर दिया। कंपनी के साथ ऑलरेडी 1-2 कंपनीज के साथ इनकी बात चल रही थी, वो सारा किया, कंपनी से बात की, उनको डॉक्यूमेंटेशन दिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो भी, उनकी फीसेस जो देनी थी, जो कि पे करनी थी। आपको पता है कि किसी आप क्रिप्टो की एक्सचेंज में जाना हो तो आपको ठीक ठाक फीस लगती है, बल्कि बाइनांस तो मेरे ख्याल में तकरीबन $1 मिलियन तक लेता है किसी कॉइन को लिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब आपने मार्केट में जाना है और रेगुलेटेड मार्केट में जाना है तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना पैसा लगता होगा, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस कंपनी ने मुकम्मल करके दे दिया। अब जो फिलिपाइन का काम था वो भी कहीं जनवरी में हुआ था शायद, या जनवरी में या फरवरी में, तो वो अपना SECP की उनकी वेबसाइट पे चला गया। अब कंपनी ने तो अपनी तरफ से काम बंद कर दिया था फिलिपीन में, बाद में ज्वाइनिंग नहीं करवाई किसी को, ठीक है। अथॉरिटीज के साथ आप हमेशा कोशिश करती है कंपनी के, हम अथॉरिटीज जो बोले उसके साथ चले। तो ये चीज जो हुई, इसके साथ ये हुआ कि प्रोसेस चल रहा था तो जो लिस्टिंग कंपनी है उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि ये चीज आपने साफ करवानी है, क्लियर किधर से करवानी है, फिलिपाइन से। तो फिर हम आगे अगला प्रोसेस जो लास्ट प्रोसेस है लिस्टिंग का वो शुरू हो जाएगा। तो वो उसके लिए कंपनी ने अपने वकील हायर किए और आगे चल के जाके उनको दिया काम सारा। उन्होंने मेरे ख्याल में फिलिपाइन की जो अदालतें हैं वो भी बंद रही हैं काफी अर्सा, ये कोविड था, चल रहा था सारा सिलसिला। तो कंपनी ने अपनी तरफ से सारा करके उनको दे दिया। अब जो आखिरी उन्होंने पहले टाइम दिया था 15 सितंबर का, कि 15 सितंबर तक केस क्लियर हो जाएगी, मगर कोर्ट ने कुछ और रिक्वायरमेंट मांगी, कंपनी ने और मजीद जो डॉक्यूमेंटेशन थी इधर से करके भेजी। कंपनी लीगल है, कंपनी चल रही है, अपनी जगह पे है सारा, तो कोई इशू नहीं है उसके साथ। तो मगर यह है कि लीगल डॉक्यूमेंट जो चाहिए थी वो प्रोवाइड कर दिए। अब जब प्रोवाइड कर दिए तो उसके बाद अभी उसकी डेट आनी है उसकी प्रोसेस की, वो जब हो जाएगा, उससे डिलीट हो जाएगा, तो फिर आगे प्रोसेस चलेगा। अब जब कन्वर्ट किया ये लॉयल्टी को इसके अंदर, ऐसे इग्नाइटर की को लॉयल्टी के अंदर आपको ऑप्शन दी और दूसरी, तो कुछ लोगों को ईमेल्स गई इग्नाइटर की तरफ से कि आप साइन करके दें कि आप एसटीओ छोड़ रहे हैं और लॉयल्टी ले रहे हैं उसके बदले। एसटीओ एक रेगुलेटेड मार्केट है, उसके अंदर साइन अप। अब वो भी लोगों ने क्या किया, अक्सर लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे चढ़ा दिया। ये सिलसिला जो है वो जो लीगल टीम है उन्होंने बोला कि आप जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता है इग्नाइटर को नहीं छेड़ सकते अभी, तो लिहाजा आप लॉयल्टी कन्वर्जन और सारा ये आप होल्ड करें जितनी देर तक हम आपको ओके नहीं करते। प्रोसेस इस वजह से लॉयल्टी का अभी इग्नाइटर का रुका, ठीक है। मैंने मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको क्लियर क्लियर सबको बताई, और ये पहली मेरे ख्याल में कंपनी है, जब फिलिपीन का प्रॉब्लम हुआ था तो कंपनी ने अपने बैक ऑफिस में डाला था कि हम फिलिपीन ब्लॉक कर रहे हैं, हमें ये इशू है, हालांकि कंपनियां छुपाती हैं, आपको क्लियर बताया कि ये हुआ है। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी थी वो थी कम्युनिकेशन, वो आपको अब इग्नाइटर की तरफ से एक ईमेल आई है, आगे आपको न्यूज़लेटर आता रहेगा इग्नाइटर की तरफ से, जो इग्नाइटर के मेंबर जो SMG2 के उनका इग्नाइटर के साथ कोई लेना, ठीक है ना, तो बाद में आए तो वो उनको ईमेल आती रहेगी, उसमें कंपनी उनको बताती रहेगी, कोई वो इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब क्लियर होगी आपको बात, इतनी तफसील से मैंने आपको बताई है, ठीक। और उम्मीद है कि आप इसको एज ए बिजनेस लेंगे, एज ए लीगल प्रॉपर आप वो सारा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर एक और चीज भी घूम रही थी मार्केट के अंदर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कईयों ने वो निकाला था कि शायद कंपनी इग्नाइटर बंद होगी या उसको कोई लेटर आया है, ठीक है। तो वो लेटर को ही वो इशू नहीं था, वो होता है हर साल डॉक्यूमेंटेशन जमा करवानी होती है, तो वो लीगल टीम ने रोका हुआ था कि अभी आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं जमा करवानी, वो टैक्स रिटर्न्स होते हैं और कुछ चीजें होती हैं, तो वो सारा हो गया है, वो उनको लेटर चला गया, वो मेरे ख्याल में रिमूव भी हो गया उससे। तो
हमें सबको कोशिश करनी है, क्योंकि नया और सिस्टम जो है उसके ऊपर एक हैश वॉलेट जो है, एक एड्रेस आपका एक अकाउंट के अंदर यूज होगा, दूसरे में सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही सेम काम जो है सोलमैक्स के अंदर भी होगा। ये आपका एक अकाउंट, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स में आपका जो है वो यानी एक वॉलेट नहीं यूज होगा, आपको डिफरेंट वॉलेट्स डालने पड़ेंगे। तो उससे भी एक टोकन की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि 30,000 से ऊपर जब वॉलेट्स वगैरह हो जाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर एक कम्युनिटी के, तो उसमें फिर कई एक्सचेंजेस खुद उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। तो ये चीज है, हमने ज्यादा से ज्यादा वॉलेट करने हैं, उसकी प्राइस के ऊपर काम होगा। तो एसएमजी का अलहदा काम होगा, नए कुछ आए उसके तहत, यानी कंपनी चाहती है कि हमेशा लीगली तौर पे हम प्रोटेक्टेड रहे हर चीज के अंदर, तो उसको लीगली तौर पे ये कंप्लायंस का था इशू कि हम पुराने जो आपके अकाउंट हैं उनका कोई अभी इशू नहीं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे जरूरी, वो ये है कि अभी एक यूजर का एक ही अकाउंट हो सकेगा वाईआई के अंदर, दो अकाउंट आप नहीं रख सकते। अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो उसमें आपको बाइनरी नहीं मिलेगी, बाइनरी सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर मिलेगी। तो लिहाजा ये देख ले, इससे फायदा इस वजह से है कि लोग जो है वो जो लीडर्स हैं खासकर, वो अपनी लाइनों का भी ख्याल करेंगे, उनको स्पिल ओवर्स देंगे और उनके साथ मिलके काम करेंगे। और जो नई ज्वाइनिंग है वो भी नई ज्वाइनिंग इसी तरह होगी कि वो हर एक जो नया ज्वाइनर है वो दो अकाउंट ही बना सकेगा, एक अकाउंट के ऊपर इसको काम करना होगा, नहीं होगा वो आपका उधर से रहेगा, वो बैक ऑफिस खुला रहेगा जितनी देर तक आखिरी ट्रांजेक्शन उससे नहीं हो जाते। वो आपका लॉयल्टी उधर से होगा, विड्रॉल टोकन में आएगा और टोकन आप इधर यूज करेंगे। लाइव रेट का प्रॉब्लम इशू किधर है? लाइव रेट का इशू यह है कि 1 सेंट से नीचे कंपनी ने नहीं दिया, ठीक है ना। अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें एक चीज, मुझे एक मोबाइल मिलता है, आईफोन मिलता है, मैं कहता हूँ जी ये आईफोन जो है ना ये 1,000 यूरो का है और मैं इसका 500 में बेच देता हूँ, तो ये तो मेरी खराबी भी है ना। तो हम जब मैं ट्रेड लगाता हूं तो मैं ट्रेड, अगर मुझे एक चीज मिलती है तो मुझे उसकी पता है प्राइस का, तो मैं ट्रेड क्यों 1 सेंट से कम लगाऊंगा। जब भी 1 सेंट से कम ट्रेड नहीं लगाएंगे तो खैर है, 2 दिन लग जाएंगे ज्यादा सेल होने में, मगर सेल हो जाएंगे और आपको उस प्राइस से नीचे नहीं जाएगा, फिर टोकन की प्राइस भी बढ़ेगी। एक तो ये हो गया, दूसरी चीज ये होगी कि टोकन के ऊपर अभी काम हो रहा है, अभी सारी जितनी भी इन पैसे आने हैं, जो भी पैकेज सेल होने हैं, वो सारा का सारा जितनी ट्रैफिक पहले कंपनी के पास डायरेक्ट आती थी यूएसडी के अंदर, टेथर, बिटकॉइन, सारा वो सारा कन्वर्ट कर दिया एक्सचेंज की तरफ। जब एक्सचेंज में सारा वॉल्यूम जाएगा तो आप खुद समझदार है कि एक्सचेंज में वैल्यू बढ़ेगी उसकी। तो जब 1 सेंट या 1 सेंट से ऊपर चला जाएगा तो फिर तो आपको इशू खत्म हो गया ना, फिर तो लाइव रेडी हो गया ना। मगर रेट अभी देखिए, रेट एक ये भी इशू है कि हम भी कम का बेचते हैं, मेरे पास है पड़े हुए, मैंने एक भी नहीं लगाया, मैंने 1 सेंट से तो ऊपर लगाए हुए हैं, मैं 1 सेंट से नीचे नहीं लगाऊं, क्यों मैं बेचूं 1 सेंट से नीचे, मुझे पता है कितने, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, दूसरी चीज ये है कि थोड़ा अभी आपने पता है कि अभी बिटमार्ट जो हाइक हुआ था, अभी दोबारा उसकी ट्रेड शुरू हो गई है, कल जंप किया है 0.5 सेंट पे गया था, फिर वापस आया, फिर मगर कल काफी ट्रेड हुई, ठीक है। अभी वो मजीद ओपन करेंगे तो ट्रेड अभी बढ़ती जाएगी, तो इस वजह से रेट आपको नजर आएगा कि अच्छा होगा रेट, ये नहीं है कि हम इधर ही बैठे रहेंगे। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जब कम्युनिटी अच्छी, कम्युनिटी काम करने वाली है तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा। जो मिनिमम है 0.01 में, उसके ऊपर जो है वो आपको चले, मगर हमको अगर 0.01 पे मिलता है तो हम कोशिश करें कि 0.01 से नीचे एक्सचेंज पे सेल करना ना लगाए। देखिए अगर हम लगाएंगे उतना या उससे ज्यादा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है उससे कम हो गई। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब लाइव रेट पे कंपनी ने दिया तो 0.01 से शुरू हुआ, लोगों ने 0.009 पे सेल करना शुरू कर दिया ताकि जल्दी बिक जाए। अब वो उधर गया तो 0.008 पे शुरू कर दिया, फिर 0.07 पे, फिर 0.06 पे, इस तरह करके वो मार्केट ड्रॉप हुआ। तो इस वजह से थोड़ा उसको किया है, मगर ये है कि वो भी आगे लाइव रेट, जब अगर प्राइस ही अच्छी हो जाएगी तो लाइव रेट पे भी चला, ठीक है। जो मेन चीज है, कंपनी ने मैक्सिमम किया है, कंपनी ने अपनी उसकी टीम अलहदा किया है, वो भी उसके ऊपर काम करेगी। आपको अगले दिनों में 1-2 वीक 4 वीक के अंदर आपको नई वेबसाइट भी उसकी मिलेगी, उसके ऊपर यूजेबिलिटी के ऊपर भी काम होता नजर आएगा, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता। मगर ये मैं आपको बता दूं कि ये अलादीन के चिराग की तरह नहीं है कि इधर से करना है और सारा कुछ एकदम से हो जाना है, ये क्लियर चीज होनी चाहिए सबको।
इसमें आप 2-3-4 महीने लगने हैं इसको स्मूथ होने में, मगर हो जाएंगे, हो सकता है हम बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी नई मार्केटें वगैरह भी खो रहे हैं जो कि पहले उधर काम कंपनी नहीं थी कर रही, तो एक अच्छा इसके अंदर सारा वो आना शुरू हो जाएगा। तो वो कमीशन के अंदर आपको उधर से मिलेगा, जो कमीशन के अंदर थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं सबके, वो थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं वो सारे उधर से आपको विड्रॉल मिलेंगे, वो जाया नहीं होगा, एसएमजी टोकन में मिलेगा लाइव रेट। थोड़ा सा उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा कि वो शायद 1 जनवरी से, मगर अभी फिक्स डेट जो है वो अभी कंपनी लेके आ जाएगी आपके पास के कब शुरू करेंगे। मगर देखिए मैं एक एक्सपेक्टेशन आपको सारी बताता हूँ, मगर आप क्या करें कि जो कंपनी अब आपको भेजती है न्यूज़लेटर भेजती है या आपको टेलीग्राम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भेजती है उसको जरूर फॉलो किया करें। बल्कि इतने लोग हैं, हम टेलीग्राम पे अभी थोड़े से लोग आए हैं, तो सारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे क्या हो रहा है, कौन सा जूम है, अभी कल उर्दू हिंदी का जूम है वो भी सारे करें, कल प्रेजेंटेशन है एक अच्छा, इंशाल्लाह उसके अंदर हमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। अपनी मार्केट में देखें, मार्केट में अंदर कंपनीज के ऊपर आता रहता है, अब बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस जो हैं वो कोविड की वजह से खत्म हो गए लोगों के, कई मिलियनर जो है वो रोड पे आ गए और कई रोड से मिलियनर बन गए, सिर्फ वो मास्क बेच के कई मिलियनर बन गए, सही है। तो ये डिपेंड करता है, मगर कंपनी खड़ी है अपनी जगह पे, वो उसको लीड कर रही है और आगे चलती रहेगी। अब्दुल रहमान साहब भी अवेलेबल है, मगर वो कम अवेलेबल अब होते हैं, थोड़ा सा उन्होंने मुझे काम दे दिया कि आप जरा इन्फॉर्मेशन पहुंचानी शुरू कर दें लोगों तक। अभी कुछ कुछ जो है विड्रॉल वो प्रोसेस में गए थे, ठीक है, मगर अभी उसका आप इस मंथ में थोड़ा आप समझ लें कि इस मंथ में नहीं है, नेक्स्ट मंथ से अभी शुरू हो, अभी मंडे को जो है वो थोड़ा मजीद कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। कंपनी तो चाहती है आज रात को ही शुरू हो जाए, सेल कंपनी की बढ़नी है, ठीक है, मगर ये है कि थोड़ा उसको चेक कर रहे हैं। एक तो ये भी इशू आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक लॉगिन नहीं किया नए सिस्टम के अंदर, तो लिहाजा वो अपना लॉगिन कर लें, उसकी एक कम से कम ये आ जाए रिपोर्ट के ओके है, और उसके बाद अभी नेक्स्ट वीक के अंदर कंपनी चाह रही है कि हम प्रोसेस करें सारा न्यू ज्वाइनिंग एंड पैकेज बाइंग का सारा ओपन कर। ये हुआ है 0.88 यूरो और डॉलर का जो रेट हुआ है, जो उस दिन का रेट था जब वो डेटा ट्रांसफर किया तो उस दिन उन्होंने भेजा था, जो रेट होगा उस वक्त का वो होल्ड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अभी ऑर्डर प्लेस किया तो आपको पता चल गया कि इतने जो टोकन्स हैं वो देने हैं, वो आपके वही रहेंगे, फिर ऊपर नीचे होता रहे, मगर वो भी आपके पास पता है घंटा आधा घंटा या 30 मिनट होते हैं उसको रिफ्रेश होने के लिए, तो उसके अंदर अंदर आप कर दें तो आपका वही अप्लाई वो आपको आना शुरू हो जाएगा, और वो भी लाइव रेट पे आपको टोकन में आएगा, कमीशन टोकन के अंदर आएगा और लाइव रेट पे आएगा, आपका डॉलर जाया नहीं होगा, और भी बैंक के अंदर भी आएगा, अभी कार्ड भी वगैरह भी आ जाएंगे, वो जनवरी में आएगा अभी, मगर लाइव रेट पे आएगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा होल्ड करें, सही है, क्योंकि नया डोमेन है, नए डोमेन के ऊपर अभी KYC का अप्रूव होना अभी उसके ऊपर डिस्कस चल रही है, ठीक है, जिनका ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है शायद उनका अप्रूव इधर भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जिनका मैनुअली हुआ था उनका दोबारा उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, मगर जाहिर है वो उसमें कोई कास्ट नहीं रखी तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि नया डोमेन है उसके ऊपर फिर वो जो उसको करते हैं वो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, अभी इसके ऊपर डिस्कस हो रही है, तो जब अगर तो ओके हो गया तो वो जितने जिनके पिछले ऑलरेडी हुए हुए अप्रूवल आ जाएंगे, उसके बाद दोबारा हम वो कम्युनिकेशन आ जाएगी कि आप एक एक दफा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते सर, तो आपको मजीद चीजें जो है ना वो साथ में आती जाएंगी, किसी का कुछ जाया नहीं होगा, ठीक है, मगर ये है कि नया सिस्टम है वो पुराने किस तरह उसको इधर इंटीग्रेट करना है ये थोड़ा आपको नेक्स्ट आगे चल के बताएंगे अगले स्टेप के ऊपर। वो डिसेंट्रलाइज है, उसके ऊपर कंपनी का नहीं होता, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज कोई चीज होती है तो उसमें कंपनी कुछ नहीं करती, ठीक है, अब ये चीज चेक करने वाली है कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा या कि आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो मैं पता करवा लेता हूँ, क्योंकि पहले एक बाइनांस चेन का इशू आया था, काफी सारे टोकन जो अपना इसके ऊपर है ना बाइनांस ब्लॉक चेन के ऊपर है, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर, उनका सिर्फ SMG का नहीं था, बहुत सारे टोकन्स का ये इशू आया था, और सिर्फ क्रिप्टो चेन पे नहीं था, वो दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर भी था, सब एक्सचेंजेस के ऊपर,
उनकी उनकी नोड्स जो थी ना, उनकी नोड्स जो चलती हैं, जो कि आगे ट्रांजैक्शन वेरीफाई करती हैं, उनमें कोई इशू था तो वो मेरे हाल में हल हो गया था। अभी अगर तो वो पता करवा लेते हैं दोबारा से उसको कि कंपनी आगे आपको पता करके दे देगी। एक मेरे हाल में उसकी कम्युनिकेशन भेजी हुई थी लोगों को कि ये चीज हुई है, ठीक है।